नमस्कार, आज हम मौजूद है सिंगरौली में, और सिंगरौली में अवैध उत्खनन का आप आए दिन नाम सुनते होंगे। अवैध उत्खनन लगातार चलता है, और सबसे बड़ी बात, आज हम सबसे बड़ी अवैध उत्खनन दिखाएंगे। पीसी मशीन लगाकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन चाहेंगे थोड़ी जूम करके दिखाएंगे। यहाँ पर अवैध उत्खनन का जो काम है जोरों पर चल रहा है, और ये मौजूद है इस वक्त हम ग्राम पंचायत कटई में, और ग्राम पंचायत कटई में गोपत नदी में इस वक्त अवैध उत्खनन का काम जोरों पर चल रहा है, और पीसी मशीनें लगी हुई हैं, और साथ साथ यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इस तरफ भी दिखाएंगे कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर डायरेक्ट, कोई खदान नहीं है, कोई यहाँ पर टेंडर नहीं है, कोई ठेका नहीं है, और यहाँ पर पीसी मशीन लगाकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। और इसी बीच हम आपको सुनाएंगे, चौकी प्रभारी से भी बात करेंगे, और जो क्षेत्रीय थाना लगता है थाना प्रभारी से भी बात करेंगे कि ये आपके जानकारी में है या अन्यथा नहीं है। चलिए हम कैमरा पर्सन चाहेंगे थोड़ी नजदीक लाएंगे कैमरा और दिखाएंगे। पहले मैं चौकी प्रभारी को लगाता हूँ फोन, जो यहाँ के निगरी में चौकी प्रभारी हैं, प्रियंका सिंह बघेल। यहाँ पर प्रियंका सिंह बघेल जो निगरी चौकी प्रभारी हैं, मैं उनको डायल कर दिया हूँ नंबर। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये उनके जानकारी में है या नहीं है। तो यहाँ पर चौकी प्रभारी जी का मैं नंबर डायल कर चुका हूँ, और जानना चाहूंगा कि वो क्या बताते हैं, और आपको लाइव तस्वीरें सुनाऊंगा, लाइव आवाज सुनाऊंगा कि ये उनके जानकारी में है कि नहीं है। इतनी बड़ी जो लापरवाही अवैध उत्खनन चल रहा है उसमें क्या चल रहा है, ये अभी रिंग जा रही है, और चौकी प्रभारी जी का रिंग यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं रिंग जा रही है। कैमरा पर्सन चाहेंगे दिखाएंगे, यहाँ पर चौकी प्रभारी प्रियंका सिंह जी का रिंग जा रहा है, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। और साथ ही अब मैं जो क्षेत्रीय थाना लगता है थाना सरई है, और उस थाने के जो प्रभारी हैं, थाना प्रभारी, हम उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे, जो TI साहब हैं वर्तमान में, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह क्या उनके जानकारी में है, अन्यथा उनके जानकारी में भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई खदान नहीं है, कोई ठेका नहीं है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से अवैध उत्खनन किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, पीसी मशीनें लगी हुई हैं, और बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, और बड़ी गाड़ियों के बीच में यहाँ पर अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। और ये अवैध जो रेत है वो निगरी चौकी से ही होते हुए आगे को निकलता है, क्योंकि इस साइड में जो खदान है वो खदान संचालित है, लेकिन ये जो खदान, यहाँ पर कोई खदान नहीं है, ये निगरी चौकी से होते हुए आगे को निकलते हैं, लेकिन निगरी चौकी प्रभारी किस प्रकार से काम करते हैं ये भी तस्वीरें हम आपको सुनाएंगे। चलिए इसी बीच हम जो क्षेत्रीय थाना लगता है हमारा थाना सरई है, और थाने के जो प्रभारी हैं ज्ञानेंद्र सिंह, हम उनको फोन डायल कर रहे हैं, और उनसे हम लाइव बात करेंगे और उनकी लाइव आवाज आप तक पहुँचाएंगे कि उनके द्वारा क्या जवाब मिलता है इसमें। ज्ञानेंद्र सिंह कहीं और बिजी हैं, लेकिन एकाध मिनट के अंदर हम उनकी आवाज आप तक पहुंचाएंगे कि वो क्या बताते हैं, यहाँ पर क्या खदान संचालित है, क्या ये खदान पर हम मौजूद हैं, या फिर अवैध उत्खनन चल रहा है, ये भी हम लाइव तस्वीरें सुनाएंगे, लाइव आवाज आप तक पहुंचाएंगे। ज्ञानेंद्र सिंह जो थाने के TI हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, फोन डायल हो चुका है। जी नमस्कार सर। पंकज दुबे बात कर रहा हूँ सर, UD न्यूज से। सर कटाई में क्या कोई खदान भी संचालित है वर्तमान में? मुझे क्या पता भाई, वहाँ चौकी प्रभारी से पूछो। तो चौकी प्रभारी तो सर बोल रहे हैं, TI साहब से बात करिए। मुझे नहीं पता, खनिज विभाग से पूछिए भाई। तो सर ये एक बड़ी सवाल यहाँ पर सर, कोई यहाँ पर ट्रैक्टर अगर जब्त करते हैं तो चौकी प्रभारी जब्त करते हैं, वो बोल रहे हैं TI साहब से बात करिए। कोई अगर अवैध रेत यहाँ पर ट्रैक्टर लेके जाता है तो वो चौकी प्रभारी जब्त करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इतनी पीसी मशीन लगाकर यहाँ पर 12 ठो हाइवा यहाँ पर मौजूद है, और 12 हाइवा लोड हो रहे हैं सर। निवास में चलता है ना, निवास में खदान, खनिज अधिकारी से पता कर लीजिए, यह वहाँ की नहीं है। जी जी खनिज अधिकारी बताएंगे सर, और लेकिन चौकी प्रभारी का कोई अधिकार है सर इसमें रेत पकड़ने का? वहाँ जाके बात कर लीजिए भाई। अच्छा वहाँ जाके बात करना पड़ेगा। चलिए चलिए ठीक है सर। तो आपने आपने सुन लिया यहाँ पर, ये TI साहब का बयान है कि उनको जानकारी में नहीं है, ये चौकी प्रभारी से बात करने की बात कर रहे हैं। ये हम जो लगातार जो भ्रष्टाचार की तस्वीर सुना रहे हैं, इसी के चलते उन्हीं पुलिस अधिकारियों पर रेत का जो अवैध कारोबार करते हैं, गाड़ियां तक चढ़ा देते हैं, उनकी जान तक चली जाती है। लेकिन ये TI साहब का बयान है, आपके सामने मैं सुनाया, ये कॉल रिकॉर्ड भी हुआ है, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लगातार आपने सुन ही लिया।
और इसी हाल में बता दें यहाँ पर अभी कुछ ही दिनों पूर्व यहाँ पर जो पटवारी है क्षेत्र के, पटवारी के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर कोई खदान ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैसे ये अवैध उत्खनन चल रहा है? इतनी बड़ी पीसी मशीन लगाकर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से अवैध रेत का उत्खनन कैसे किया जा रहा है, ये देखने वाली बात है। और ये जो चौकी प्रभारी है कैसे कार्यवाही करते हैं, कैसे जाँच करते हैं? ये गाड़ियाँ निगरी चौकी से होते हुए जाती है, लेकिन कैसे काम होता है ये देखते ही बनता है। चलिए इसी खबर के प्रकाशन के बाद क्या होती है कार्रवाई, या ऐसे ही चलता रहेगा भ्रष्टाचार का राज? हालांकि ये मोहन यादव की सरकार है, अवैध भ्रष्टाचारियों के अवैध कारनामों पर यहाँ पर बुलडोजर चलने की जो बात कही जाती है, कितना सत्यता है इस खबर प्रकाशन के बाद आप तक पहुंचेगा। देखने के लिए बने रहे यूडी न्यूज के साथ, और मैं हूं पंकज दुबे, धन्यवाद।